नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल मैं होस्ट सुंदर शुभम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर व्लॉग। फाइनली आज मैं ये देश छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोगों से विदा ले रहा हूँ, मगर ये जो वीडियो ये कब आएगा एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं शूट करके रखूँगा और मेरा जो है अभी ज्वाइनिंग है, तो मैं जाते जाते बताऊँ कहाँ से ज्वाइनिंग है, कैसे क्या मैं जा रहा हूँ और क्या प्लान है। तो मेरी पूरी फैमिली आई है मेरे को सी ऑफ करने के लिए, तो देख सकते हैं जीजू भाई दीदी बहन मम्मी पापा मेरी दोस्त सब आए हैं। बाकी मेरे दोस्त हैं उनका अभी वेदर बहुत ही ख़राब है इसलिए वो आ नहीं पाए, मगर डेफिनेटली विशेष भेजा है उन्होंने अपना। तो बहुत ही अजीब लग रहा है अभी फाइनली जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, और आप लोगों से बहुत लेट में हम लोग बात करेंगे, बहुत लेट से वीडियो आएगा और इतना फ्रीक्वेंटली मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी है मेरे जो पहले के वीडियोस है वो प्लीज़ देखिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि और भी नए नए जो वीडियोस है वो मैं करता जाऊँ, और भी नए नए वीडियोस है मैं नए नए जगह का दिखाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो क्या करते हैं अभी जाते हैं फ्लाइट में, जाते जाते बात करेंगे और कोई प्रोसीजर रहा कुछ चेंजेस हुआ और कुछ मस्ती मजाक वाला अगर कुछ मेरे को मिला तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा, तो देखते रहिए। तो फाइनली मेरा सिक्योरिटी चेकिंग हो चुका है कम्प्लीट, लगभग बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया मैं तो ऐसे बैठा था दोस्तों से बात कर रहा था, तो फाइनली मैं भी आ चुका हूँ यहाँ पे और आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ मेरे व्यूज़। क्योंकि मैं अभी जाऊँगा, वीडियोज़ जो है वो रेगुलरली शायद नहीं आ पाएगा, मगर जो भी इंटरेस्टिंग प्लेस अगर मैं जाऊँगा डेफिनेटली आपको दिखाऊँगा। अभी क्या है जो मेरा सी एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग नॉर्मल व्लॉगिंग वो हो चुका है एकदम अभी के लिए पॉज। अगले साल मैं जब आऊँगा, कब आऊँगा पता नहीं, मेरा जो अभी का प्लान है मैं ट्राई करूँगा कि 10 महीने एटलीस्ट वहाँ पे बिता के आओ, ताकि मैं जो पूजा और फेस्टिवल वाला जो पूरा ये रहता है अपना मंथ रहता है वो मैं उसको इंजॉय कर पाऊँ। और फैमिली को छोड़ के आना बहुत ही टफ काम था, फाइनली मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्रेशन पे इतना आएगा नहीं, मगर इट्स अ वेरी टफ़ जॉब। क्योंकि मान लीजिए मैं भी जाऊँगा ये लोग मेरे को देख नहीं पाएंगे, मैं इनसे रेगुलरली बात नहीं कर पाऊँगा, कब कर पाऊँगा वो भी पता नहीं। आप लोगों के साथ मैं शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ, देख सकते थे कि वीडियो कितने लेट आता था, तो सेम चीज़ होने वाला है शायद। अगर आप लोग मेरे फैमिली का पार्ट बन जाएंगे सुपर व्लॉग का, तो ऐसा आप लोगों के साथ आप लोग भी ऐसे इंजॉय करेंगे और यूज टू हो जाएंगे। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं नए जगह अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है मैं अलग अलग वीडियो थोड़ा अलग टाइप का मैं वीडियो बना सकूँ, ऐसे ट्रैवलिंग व्लॉग या कोई नई जगह का व्लॉग इंटरटेनमेंट वाला मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी जो है मेरे यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, तो आधे घंटा 40 मिनट है मेरे पास, तो बैठता आराम से बोर्ड करेंगे, इतने इश्यू है नहीं। हाय दोस्तों, फाइनली मैं मुंबई उतर चुका हूँ और मुंबई का जो इंटरनेशनल डिपार्चर है वहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़्लाइट है वो है दोहा के लिए, सुबह के लगभग 4:25 का है, तभी हो रहा है बस 9:15, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे उतर चुका था 6:30 के आसपास, मेरे साथ और लोग थे तो उनसे मैं थोड़ा मुलाकात की, और भी मेरे को डॉक्यूमेंट्स लेने थे जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए ज़रूरी होता है, जैसे अभी कुछ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है टर्की के लिए जो फिल किया, फिर किसी को भेजा वो प्रिंट आउट लाने के लिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे शिप पे जाने के लिए, वो सब मैंने क्या किया प्रिंट आउट लेके आया, क्योंकि कंपनी ने मेरे को कुछ नहीं भेजा था कुछ नहीं, तो उनको कॉल करके लेके आने में बहुत ही टाइम लग गया। तभी जो सीन है 9:15 हो चुका है, मैंने खाना खाया था थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया था वहाँ पर एयरलाइंस में, तो अभी जो है टाइम तो बहुत लगने वाला है, तो देखेंगे थोड़ा जाके हल्का फुल्का हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, क्योंकि सोने को तो टाइम है नहीं, क्योंकि 4:25 को फ़्लाइट है, तो चेकिंग करने में लगभग 2:30 बजे जाना पड़ेगा, तो आज तो नींद एकदम हराम है, कल भी शिप पे अगर चले जाएंगे तो कल भी तो पूरा नींद हराम है, और कब सोएंगे अच्छे से पता नहीं, और ये वीडियो एडिट करके मैं कब डालूँगा मेरे को भी नहीं पता, मगर जो भी है कोशिश करूँगा जितना हो सके जहाँ भी नेट मिला आप लोगों के लिए मैं वीडियो तैयार रहूँ। तो अभी क्या करते हैं थोड़ा बैठता हूँ, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि क्या है बाहर बहुत ही गर्मी है, अंदर भी थोड़ा बहुत कोने में पकड़ के एसी में थोड़ा बैठ के थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि कल बहुत ही हेक्टिक डे होने वाला है, तो देखते रहिएगा वीडियो और कुछ मज़ेदार होने वाला होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, एक्चुअली बताने की शक्ति में मतलब शक्ति है ही नहीं बताने लायक, क्योंकि मैं सुबह एकदम कब निकला था
एक बजे के आसपास, तो अभी रात के हो रहे ऑलमोस्ट 1 बज गए, तो पूरा ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग चल रहा है। बस ये आधा पार्ट ख़त्म हुआ है, इसके बाद मेरा फ्लाइट है 4:25 को, जो कतर एयरवेज है। कतर वाला प्लेन से हम लोग जाएंगे दोहा, दोहा से फिर मेरा और एक फ़्लाइट है जो इस्तानबुल की तरफ है, तो फिर वहाँ पे जाना है। मतलब अभी इमिग्रेशन ख़त्म करके गेट नंबर 73 एकदम आखिरी की तरफ है आके हम लोग थोड़ा बैठे हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट लेंगे, बस रेस्ट लेंगे, आँखों को थोड़ा सा आराम देंगे, 1-1.5 घंटे का बात है, फिर स्टार्ट हो जाएगा बोर्डिंग। मतलब पूरा दिन आज तो अभी एकदम ठुक गया, अभी जो है अगला मॉर्निंग वो भी एकदम पूरा ये होने वाला है, ख़राब होने वाला है, क्योंकि रेस्ट तो मिलने वाला है नहीं, और जाएंगे तो और रेस्ट मिलेगा नहीं। तो ऐसा ही है जर्नी, तो ये वाला जर्नी एकदम पूरा बहुत भीड़ था लोगों का, मतलब बहुत सारे यहाँ पे भी रूल्स और रेगुलेशंस आ गए कोविड की वजह से, तो ये फॉर्म भरना वो फॉर्म भरना बहुत कुछ रहता है। तो ऐसे करके कैसे भी करके फाइनली बैठ गए, अभी होगा डायरेक्ट बोर्ड करेंगे हम लोग, फिर देखते क्या होता है, कितने बजे पहुँचते हैं दोहा, दोहा से फिर इस्तानबुल का फ्लाइट। तो देखते रहिए, जर्नी के साथ रहिए, और अभी के लिए आप लोग थोड़ा ब्रेक लीजिए, मैं भी थोड़ा ब्रेक लेता, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन नाउ आई लैंडेड टू द दोहा एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स बैक। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा जो फ्लाइट है दोहा से इस्तानबुल का, वो बोर्ड पे कब शो करेगा उसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखा 7:45 के आसपास डिस्प्ले होगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो ऑलमोस्ट 5:45 हो रहा है लोकल टाइम यहाँ के हिसाब से, तो देखते क्या होता है। 3.5 घंटे के आसपास फ्लाइट था, मील वील सब था ठीक था, मगर जर्नी इतना हो रहा है और इतना वेटिंग हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम पूरा एग्जॉस्टेड आ रहा है। मतलब सर जो है एकदम पूरा पकड़ा हुआ है, क्योंकि मैं कल क्या परसों से ठीक से सोया नहीं हूँ, और अभी शिप पे कब जाऊँगा ये भी एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता। यहाँ से शिप रहेगा कि होटल रहेगा वो इस्तानबुल जाने के बाद ही मालूम चलेगा, तो अभी के लिए बस यहाँ तक ही है। कुछ होगा फ्लाइट में चढ़ने के पहले, फिर एक थोड़ा सा अपडेट दूंगा, क्योंकि ऐसे ही होने वाला है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, 3 फ्लाइट ऑलमोस्ट होगा मेरा। तो ऐसे करके आप लोग से बात होता रहेगा, थोड़ा बहुत जर्नी शेयर करेंगे, उसके बाद वीडियो को बंद करके चल देंगे, फिर देखते रहे वीडियो, थोड़ा बहुत बोर होने वाला है, थोड़ा सह लीजिए। तो दोस्तों अभी मैं लैंड हो चुका टर्की में, मेरे जो साथ जो है कैप्टन उसके सब मैं मिल चुका हूँ, तो सब चेकिंग वेकिंग हो चुका है। अभी हम लोगों का कोविड टेस्ट जस्ट हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी है जहाँ भी आप जाए, तो पासपोर्ट के साथ मैं तैयार हूँ, कोविड टेस्ट हो चुका है। अभी यहाँ से प्लान है होटल जाने का, मगर स्टार्टिंग के साथ थोड़ा और एक चीज़ ऐड हो गया है उसमें था, तो मैंने बताया था कि वो चीज़ माइनस करके प्लीज़ दीजिएगा मेरे को, मैं फिर भी उन्होंने दे दिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो ये जो है ये है ग्रिल चिकन विथ राइस, तो देखता हूँ स्वाद में कैसा है, सूखा सूखा लग रहा है, अपने इंडिया जैसे स्पाइसी नहीं होता यहाँ पे, तो जो भी है टेस्ट जैसा भी है डिफरेंट कंट्री का है तो टेस्ट करना पड़ेगा, तो अगर टेस्ट अच्छा लगा डिफरेंट आपके शेयर करूँगा तो देख कर। तो मैंने ही आइसक्रीम ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि मैंने जो आपको दिखाया था वो डिश बहुत ही देखने में तो थोड़ा कम सा था, मगर एक्चुअली बहुत ही मेरे को ज़्यादा लगा, मेरा पेट ऑलमोस्ट भर चुका है। तो ठीक है, मैंने एक आइसक्रीम ऑर्डर किया, तो ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, तो ट्राई करते हैं आपके साथ और देखते हैं। ये देख ही सकते एकदम मस्त सा, यहाँ पे 2 स्कूप है, अंदर भी यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, ऊपर ओरियो यहाँ पे भरा, अच्छा लग रहा है देखने में, तो स्वाद भी अच्छा रहेगा। वो डिनर का जो डिश ऑर्डर किया था हमने ग्रिल चिकन विथ राइस, तो वो सही था, लेस फ्राइड था थोड़ा, जो हम लोग मसाला वाला खाना खाते इंडियंस में तो वो थोड़ा नहीं था, मगर सही था एक्चुअली। तो इसका जल्दी से मजा लेते वरना कि गल जाएगा, फिर आपसे हम बात करते हैं। तभी के लिए क्या करते हैं, वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं, मगर बंद करने से पहले आपको रूम का थोड़ा बहुत देख सकते हैं वॉक अराउंड हल्का सा करवा देता हूँ। ये रहा मेरा बेड एकदम शानदार, चलिए आपको दिखाते हैं नज़ारा। ये है व्यूज,
बहुत ही सही है। अभी टर्की का जो वेदर है एकदम जिसको ले प्लेजेंट वेदर है, एकदम 20, 23, 24 ऐसा कुछ टेम्परेचर है यहाँ का। तो देख सकते हो वहाँ पे ये स्विमिंग पूल है और व्यूज़ एकदम बहुत सही है। वो दूर में पहाड़ है वो, मगर कैमरा में कैप्चर होना बहुत ही मुश्किल है। और रास्ता बहुत सही है, मतलब मेरे को तो क्योंकि मैं लास्ट ईयर आया था, वीडियो में मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो अभी का सीन ये है, तो देख लिया आपने थोड़ा बहुत रूम, और मेरे को जो डिटेल्स बताना था क्योंकि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला आप लोगों को पता ही है। मैं अभी शिप पे ज्वाइन कर, ये वाला वीडियो मैं ट्राई करूंगा ताकि जल्दी से एडिट होके मैं कर लूँ, क्योंकि शिप पे जाने वाला वीडियो मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर वो करूँगा तो दिक्कत आ जाए, क्योंकि अपलोड करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि एडिट कब होगा, अपलोड कब करूँगा बहुत ही मुश्किल है। तो अभी के लिए मैं ये वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं। वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं कोई भी नए नए वीडियो बनाऊँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ये सब जो वीडियोज़ है ये थोड़े अलग टाइप के, नॉर्मल अभी जो व्लॉगिंग जो मैंने कर रहा था, मोटो व्लॉगिंग था या कोई जगह जगह नई जगह का ये सब मैं दे रहा था इन्फॉर्मेशन, वो छोड़ कर भी थोड़ा अलग होगा। मेरा जो सी लाइफ का है, मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है इन माय वर्क प्लेस, वो कैसे होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये थोड़ा अलग टाइप का होगा, रेगुलर व्लॉग्स नहीं है जो आप लोग नॉर्मली देखते हैं, ये थोड़ा अजीब टाइप का या अलग टाइप का आप बोल सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं सी फेयर हूँ और मेरा अपना जो लाइफ मैं एक स्टोरी के ज़रिए आप लोगों के तक पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी देखें कैसा होता है, कैसे हम लोग अपना काम करते हैं, कैसे अपना लाइफ एंजॉय करते हैं, और पर्टिकुलरली मेरा जो लाइफ है मैं कैसे स्पेंड करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है अगर आप लोग चैनल में देखते रहेंगे मेरे अगले सारे वीडियोज़, तो बहुत ही अच्छे अच्छे थोड़े वीडियोज़ हैं। तो डेफिनेटली चैनल पर जाइए और चैनल पर चेकआउट कीजिए सारे वीडियोज़। तो अभी के लिए चलते हैं, बाय। अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, कोरोना अभी तक गया नहीं, जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेटेड हो जाइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।